जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम जापक संत श्री अनिरुद्ध जी महाराज कहते हैं, यह गारंटी है और शास्त्रों की प्रत्यक्ष घोषणा है कि जो मानव नाम निष्ठ बनकर अधिक से अधिक हरि नाम जपेगा, उसको भगवान अपने पार्षदों को न भेजकर स्वयं उसकी अंतिम सांस जब तन से निकलेगी तब उसे लेने आएंगे। इसमें 1% भी संदेह नहीं समझना, क्योंकि इस मानव ने कलयुग का धर्म जो हरि नाम ही है और इस युग का परम धर्म कर्म है उसे अपनाया है। नाम निष्ठ के सिर पर भगवान का हाथ है तथा उससे जो संबंध रखते हैं उनको भी भगवान सुखी करते रहते हैं। यदि कोई कहे कि इतना हरि नाम लेने पर भी क्यों दुख आ रहा है, तो यह दुख नहीं, भगवान अपने जन को दुख भोग कराकर अपने धाम में ले जाना चाहते हैं। यह मनगढ़ंत नहीं, वास्तव में 100% सत्य सिद्धांत है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मीरा, पांडव, ब्रज पर राक्षसों का आक्रमण, स्वयं राम जी के पिता पर घोर आपत्ति, इंद्र पर बार बार राक्षसों का आक्रमण, कितने ही उदाहरण हैं। भक्तों पर सदैव दुख आते रहते हैं, परंतु भक्त उसको दुख न महसूस कर उसे भगवत कृपा ही समझता है। कुंती ने दुख क्यों मांगा, इससे स्पष्ट हो जाता है कि दुख भगवान को अधिक याद करवाता रहता है। सुख में मानव भगवान को भूला रहता है। अधिक से अधिक हरि नाम करना ही संसार निवृत्ति का एकमात्र साधन है। इसके अभाव में भगवत पूजा, अर्चन, यज्ञ, स्वाध्याय, योग, तपस्या, तीर्थाटन, गृहस्थ धर्म, चारों वर्ण तथा आश्रम सभी केवल श्रम मात्र हैं। इनसे सुकृति मात्र हो जाती है, अर्थात उसका मन धीरे धीरे शुद्ध होता रहता है। कई जन्मों के बाद में यह हरि नाम में रुचि प्रदान करेगा। इसी से मन शुद्ध होकर नाम से प्रेम प्रकट हो जाएगा। प्रेम ही भगवान को आकर्षित करता है। यह हरि नाम के अभाव में उदय होगा ही नहीं। यह नाम ही भक्त अपराध और मान प्रतिष्ठा से बचाता रहेगा। यह दोनों ही भक्ति पथ में बहुत बड़े रोड़े हैं। इन दुश्मनों से हरि नाम ही बचाता है, वरना बचना असंभव ही है। हरि नाम स्मरण करते करते इतना परमानंद उदय होता है कि कहना अकथनीय है। जो इसे अपनाएगा वही महसूस करेगा, बताया नहीं जा सकता। प्रत्यक्ष में प्रमाण नहीं चाहिए, आज माकर देख सकते हो। अनुभव न हो तो शास्त्र कृपा की याचना करें। शास्त्र मानव की वाणी नहीं है, भगवद वाणी है, जो लेखनी के रूप में मानव मात्र की आंखें खोल रही है। यदि नहीं खुलती तो समझना होगा, अभी नरक भोगना होगा, दुख सागर में डूबना होगा। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान।